में अपना पांचवा अध्याय चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई, और हमने अब तक पढ़ा था कि जीवन की जो मौलिक इकाई है उसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, और इससे पूर्व हमने जो कोशिका है उसके कुछ कोशिकांग है उसके बारे में, कोशिका के अंदर प्राश्रम क्रिया, पदार्थों का अवागमन किस प्रकार से संपन्न होता है, तो हमने ये पढ़ा था कि कोशिकाओं के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जो कि वर्णात्मक पारगम में है और चुने हुए पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और जाने देती है। ठीक इसी तरह से जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका झिल्ली के अलावा, कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है परंतु कोशिका झिल्ली के साथ साथ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, परंतु ध्यान रखना जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं और जंतुवर साथ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो अभी हम कोशिका भित्ति के ऊपर विचार करेंगे कि ये क्या है। जो कोशिका झिल्ली है वो हमने पढ़ा था कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और थोड़ी लचीली होती है, परंतु जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोज नाम के एक जटिल पदार्थ की बनी होती है जो कि एक सेल्यूलोज कठोर पदार्थ है, इसलिए पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है वो काफी क्या होती है कठोर होती है और प्राश्रण की क्रिया इसी के द्वारा संपन्न की जाती है। कोशिका झिल्ली में हमने ये देखा था कि अति प्राश्री वीर्यन में कोशिका के अंदर से जो द्रव्य पदार्थ है वह बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका पिचक जाती है और जिसे हम क्या बोलते हैं जीव द्रव्य पिचन, इसके बारे में हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था प्राश्रण वाले टॉपिक के अंदर। परंतु जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, इस कारण से यह कोशिका भित्ति प्राश्रण क्रिया के दौरान यदि कोशिका को अपने अलग प्राश्रणदाबी या तनु वीर्यन के अंदर रखते हैं तो इस कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं वो बाहर से पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और फूल जाती है। तो इस तरह से पादपों में कोशिका भित्ति है वह एक सुरक्षात्मक संरचनात्मक आवरण का निर्माण करती है और पादप के आंतरिक जो कोशिकांग है उसको बचाने में रक्षात्मक रूप से यह काम करती है। तो इस तरह से पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, तो ये दोनों एक साथ में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका के अंदर केंद्रक। जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन, जबकि कोशिका की खोज इसने की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, यानी कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं द्वारा जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है उन सबका नियंत्रण केंद्रक के अधीन में होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक है अपना या महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इससे पूर्व हमने जब प्याज की स्लाइड बनाई थी तो उसमें हमने आयोडीन मिलियन की कुछ बूंदे डाली थी, आयोडीन मिलियन की बूंदे क्यों डालते हैं, क्योंकि आयोडीन वीर्यन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की कोशिकांग है वो अभिरंजित हो जाते हैं यानी रंगीन दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ अपने को गहरे रंगीन दिखाई देंगे और कुछ अपने को हल्के गहरे दिखाई देंगे, तो इसलिए अपने आयोडीन वीर्यन की कुछ बूंदे अंदर डालते हैं ताकि अपने को वो कोशिकांग स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो इस तरह से आयोडीन के अलावा भी हम सेफ्रानीन और मेथिलीन ब्लू नाम के दो अभिरंजक हैं उनके द्वारा भी कोशिका को अपने अभिरंजित कर सकते हैं। अपने जब केंद्रक को आयोडीन सेफ्रानीन अथवा मेथिलीन ब्लू इन अभिरंजकों से जब अभिरंजित करते हैं तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले स्पष्ट जो अंग है वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं इस केंद्र की संरचना किस प्रकार से होती है। प्रत्येक जो केंद्रक है वो एक गोलाकार आकृति की संरचना है। पादप कोशिकाओं में यह किनारे पर पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। केंद्रक है यह एक धुरी झिल्ली
वाला कोशिकांग है, यानी कि इसकी जो झिल्लियां है वह डबल होती है और इसको हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक झिल्ली है इसके चारों ओर कुछ दानेदार संरचनाएं लगी रहती है जिनको हम टीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःपृत्वी जालिका कहते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे के कोशिकांग में करेंगे। जो केंद्रक की झिल्लियां हैं इनके बीच में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं जिनको कहते हैं केंद्रक छिद्र। जो केंद्रक छिद्र है वह केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य या केंद्रक के बाहर और अंदर आने वाले पदार्थ हैं उनको आवागमन के लिए स्थान देते हैं, यानी कि पदार्थों का आवागमन इन छिद्रों से होकर होता है। प्रत्येक केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव्य दिखाई देता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर महीन सूक्ष्म अपने को धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। इन धागे जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ध्यान करना, इन संरचनाओं को क्रोमेटिन हम उसी समय कहते हैं जब केंद्रक या कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता, परंतु जब कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार होती है तो यह संरचनाएं हमें कुंडलित रूप में बड़ी बड़ी दिखाई देती है। उस समय इन संरचनाओं को क्रोमेटिन न कहकर हम क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये आनुवंशिकी के वाहक है। अपने माता पिता से संतानों में जो गुण जाते हैं वो इन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के द्वारा लेकर जिए जाते हैं। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को लेकर जाते हैं और प्रत्येक जो गुणसूत्र है वो सामान्यतः डीएनए का खंड होता है। डीएनए को हम डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं और यह हमारा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो जो डीएनए है वो वास्तव में रासायनिक दृष्टि से देखे जाए तो जीन के खंड है, यानी जीन के टुकड़े हैं रासायनिक दृष्टि से। तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोम है हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक केंद्रक के किनारे पर एक छोटी सी गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसे कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। और केंद्रक है वह कोशिका का एक नियंत्रण केंद्र कहलाता है। सारी क्रियाओं का संचालन कोशिका में इस केंद्रक के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अलावा कुछ अविकसित कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, कुछ कवक इत्यादि में केंद्रक के चारों ओर जो ये केंद्रक झिल्ली है यह अनुपस्थित होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी प्रो का मतलब पूरक और योटिक का मतलब है केंद्रक। तो जिन कोशिकाओं के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सुविकसित होती है, कोशिका स्पष्ट दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। कुछ आद्य बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनमें केंद्रक है वह केवल डीएनए का एक खंड होता है। तो उन बैक्टीरिया में जिनमें डीएनए का केंद्रक एक खंड है हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, या इसको बोलते हैं केंद्रका। और कुछ जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें यह क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है, जबकि जो सॉरी पादप कोशिकाएं हैं उनमें हरितलवक प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिड। और जो बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, उनका जो हरितलवक है वह किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल। तो इस तरह से केंद्रक है वह एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी संपूर्ण संरचना है इस तरह से बनी होती है।